तो सर जैसे आप रेडी है यू कैन स्टार्ट द क्लास। बिल्कुल। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत सारा धन्यवाद। सो गुड इवनिंग एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन टुडे। तो लास्ट तक बने रहिए, जो बोनस टिप्स है जो निहाल मेंशन कर रहे थे विल कम एट द एंड ऑफ द सेशन। जब हम सेशन एंड करेंगे तब बात करेंगे। तो बी हियर, विल टॉक अबाउट लॉट मेनी थिंग्स इन डिटेल और बहुत सारी चीजों को अलग अलग पर्सपेक्टिव से लेंगे एंड विल ट्राई टू गिव यू अ विजन कि हाउ दीज थिंग्स इम्पैक्ट अस, कैसे इंपैक्ट करते हैं। ठीक है, चलिए। तो देयर आर थ्री कंपोनेंट्स ऑन व्हिच वी आर गोइंग टू टॉक टुडे। इन हिस्सों में हम बात करने वाले हैं, मोबाइल नंबर, लोगो एंड सिग्नेचर। तीनों ही तीन चीजें, ऑल दिस थ्री आर थ्री डिफरेंट थिंग्स एंड विल सी कि हाउ दीज इंपैक्ट आवर लाइफ या हाउ दे एड वैल्यू टू आवर लाइफ। एक एक करके सबकी बात करते हैं एंड विल कीप द सेशन इन हिंदी एंड इंग्लिश। सेशन हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा। इस सेशन को हम शुरू करें उस सबसे पहले हम परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करें, भगवान गणपति की आराधना करें कि वो हम सब की इस मनोकामना को पूर्ण करे कि जिस मनोकामना से हम यहाँ जुड़े हैं दे फुलफिल हिज विश। तो विल प्रे टू द ऑलमाइटी एंड सीक हिज ब्लेसिंग्स टू ब्लेस अस विद द अबंडेंस एंड द पावर टू फुलफिल आवर विशेस। हमारी इच्छा को, हमारी मनोकामना को पूर्ण करे, इसी प्रार्थना के साथ हम इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। चलिए, तो लेट अस टॉक अबाउट। सबसे पहले बात करते हैं तीन चीजों की, हमने बात की मोबाइल, लोगो एंड सिग्नेचर। दीज आर थ्री थिंग दैट वी टॉक्ड अबाउट टुडे। आज के इस सेशन में हम तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा समझ रहे होंगे और फिर आगे चलते चलेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं, लेट अस फर्स्ट टॉक अबाउट मोबाइल न्यूमरोलॉजी, कि मोबाइल की बात करते हैं एंड दिस सिग्नेचर। मोबाइल एंड सिग्नेचर आर टू थिंग्स दैट इज एसोसिएटेड टू पर्सन। पर्सन का मतलब किसी इंडिविजुअल से एसोसिएट होता है। वो इंडिविजुअल आप हो सकते हैं, आपका कोई भी फैमिली मेंबर हो सकता है, एनीवन। अब ये जो लोगो है, दिस लोगो इज एसोसिएटेड टू अ कंपनी। ये किसी कंपनी से एसोसिएट होता है। ठीक है, अब चलिए लेट अस मूव अहेड। सबसे पहले बात करते हैं मोबाइल की, लेट अस फर्स्ट टॉक अबाउट मोबाइल। अब जस्ट पुटिंग एन एग्जांपल टू यू, एक एग्जांपल आप लोगों के सामने रखते हैं दैट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि हम क्यों बात करें। अगर मैं मोबाइल, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले, किसी भी सब्जेक्ट को जानने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये समझना व्हाई, क्यों, क्या एंड हाउ। जस्ट थिंक ऑफ एन एग्जांपल, मैंने आप लोगों को बोला कि आपको दिल्ली जाना है और कोई काम नहीं बताया, कोई पर्पस नहीं बताया और आप बहुत दूर रहते हैं। लेट अस अज्यूम कि यू लिव इन बैंगलोर और यू लिव इन पॉन्डिचेरी एंड यू हैव टू कम टू दिल्ली और आपको कोई पर्पस नहीं बताया, यू डोंट नो एनी पर्पस। आप मन मार के आप आएंगे, बट वही मैं आपको बता दूं, यू कम टू दिल्ली एंड यू विल विन अ चेक ऑफ $1 million। क्या दिल्ली आइए, आपको $1 million का एक रिवार्ड मिलेगा। यू विल बी मोर एक्साइटेड, मोर एंथुसियास्टिक, मोर क्यूरियस। जब आपको किसी भी चीज का पर्पस पता, वेन यू नो द पर्पस, वेन यू नो द ऑब्जेक्टिव कि उसका इंपॉर्टेंस क्या है, उसका रिलेवेंस क्या है, तो हमारा इंटरेस्ट, हमारा इंक्लाइनेशन उसमें बढ़ जाता है। This is a basic human tendency of everyone. जो majority of population of this world है, उसकी basic tendency यही है कि this enhances, this helps. ये हमारे vision को grow करता है. Same applies to our study as well. जब भी हम किसी subject को पढ़ते हैं, किसी को जानते हैं, सबसे important यही तीन सवालों का answer ढूंढना है. Why? क्यों पढ़ें उसको? जरूरत क्या है? Then what? क्या? अगर आपने इन दोनों को समझ लिया, then you will always find the path to know how. आपको वो रास्ता हमेशा मिल जाएगा कि how कैसे होगा। अक्सर हम why और what को ignore करते। This is the least talked about subject.
पढ़ लेते हैं यार, सब्जेक्ट ही तो है, कुछ तो करता होगा। नहीं, पहले जानिए क्यों, फिर जानिए क्या। दिस इज एन ऑर्डर, वाई व्हाट एंड हाउ। जब हम इस चीज को समझते हैं, और आज के जिस सेशन में मैं फोकस करूंगा वाई के ऊपर और व्हाट के ऊपर, वाई और व्हाट हमारा प्राइमरी फोकस होगा आज के सेशन के लिए, इस सबको समझने के लिए। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं मोबाइल की। अब एक और शब्द अपने मन में आ सकता है कि सर न्यूमरोलॉजी तो काफी पुराना है। इट इज सेड एंड बिलीव्ड कि न्यूमरोलॉजी इज एज ओल्ड एज 5000 इयर्स। लगभग न्यूमरोलॉजी 5000 साल से ज्यादा पुराना साइंस, जहां पे इसके रिटन एविडेंसेस अवेलेबल है। एक लंबा अरसा भी है जिसका रिटन एविडेंस अवेलेबल नहीं है। सिर्फ उन समय की बात करें जहां पे इसको न्यूमरोलॉजी नाम से जाना जाता है, जिसके रिटन एविडेंसेस अवेलेबल हैं, दैट इज मोर देन 5000 इयर्स। मोबाइल फोन कितना पुराना है? लगभग 200-300 साल पुराना मैक्सिमम ना, इतना भी नहीं है। इनफैक्ट इट्स लेसर देन दैट। अगर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हम बात करें तो अर्ली 1900s में मोबाइल फोन आया था। अगर इंडिया की बात करें तो अर्ली 1900s में मोबाइल फोन आया था। बट अब एक सवाल मन में आता है कि सर जो मोबाइल फोन था ही नहीं, उसके बारे में न्यूमरोलॉजी हो कैसे सकती है? हाउ कैन न्यूमरोलॉजी बी इमेजिन्ड जब उस समय मोबाइल फोन था ही नहीं? दिस इज वेरी पर्टिनेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू आंसर। आज इसी सवाल का आंसर हम ढूंढेंगे। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। बिल्कुल सही बात है कि मोबाइल फोन बहुत पहले नहीं था, इट वॉज नॉट अवेलेबल। बट राइट नाउ योर डिपेंडेंसी ऑन मोबाइल फोन इज इंक्रीजिंग। हर दिन, हर पल, हर लम्हे मोबाइल फोन पर हमारी डिपेंडेंसी बढ़ रही है, न चाहते हुए भी बढ़ रही है। आप एक सुपरमार्केट में जाते हैं शॉपिंग करने, पर्सन आस्क यू फॉर ए मोबाइल नंबर। आपका नाम नहीं पूछेगा, आपका मोबाइल नंबर जरूर पूछेगा। यू गो टू योर बैंक, बैंक विल आस्क फॉर योर मोबाइल नंबर, ताकि आप कोई भी ट्रांजेक्शन करें, ऑनलाइन करें, कुछ शॉपिंग करें, आपके पास ओटीपी आएगा। आप एक जॉब का एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, एक ओटीपी आता है आपके पास। तो विद डेज पासिंग, जिस रफ्तार से द पेस एट दिस वर्ल्ड इज चेंजिंग, द वर्ल्ड इज इवॉल्विंग, द सिग्निफिकेंस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ मोबाइल फोन इज इनहांसिंग एवरी डे। हर दिन, हर पल, हर लम्हा मोबाइल फोन का इंपॉर्टेंस बढ़ता जा रहा है। And this is bound to increase. This is never going to decrease. कमने नहीं वाला है ये। तो forget about कि कोई ऐसा समय आएगा जब मोबाइल फोन नहीं रहेगा। आज की दिन में everything, you go to a hospital, unfortunately किसी को जाने की जरूरत ना पड़े, but आप जाते हैं, वो भी आपका मोबाइल नंबर पूछता है। From every nook and corner of your life, आपके जीवन का हर पहलू, हर लम्हा मोबाइल नंबर में सिमटता जा रहा है, कैद होता जा रहा है। यू मे बी लिविंग अपार्ट फ्रॉम योर फैमिली, आप अपने फैमिली से दूर हो रहे होंगे। आपके कनेक्ट करने का माध्यम क्या है? मोबाइल फोन। यू ओनली हैव अ मीडियम नोन एज मोबाइल फोन, जिससे आप अपने फैमिली मेंबर्स को, अपने पेरेंट्स को, अपने स्पाउस को, अपने गर्लफ्रेंड्स को कनेक्ट करते हैं, बॉयफ्रेंड्स को कनेक्ट करते हैं। दूसरी बात, सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं, कम्युनिकेशन तक। आपका फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस हो गया, आपकी हेल्थ रिकॉर्ड्स हो गए। अभी हम सब लोग जुड़े हैं जूम के माध्यम से, आप लोगों से बहुत सारे लोग फोन से जुड़े हुए होंगे, वहां भी इंपॉर्टेंस है। तो फोन हमारे जीवन के हर लम्हे को, हर पहलू को मॉडिफाई कर रहा है, बदल रहा है, चाहे हमारा पर्सनल लाइफ हो, हमारा प्रोफेशनल लाइफ। दूसरा, मान लिया आपको किसी नंबर से फोन आया, जस्ट थिंक ऑफ ए नंबर, एक नंबर का एग्जांपल लेते हैं। यू रिसीव्ड अ कॉल, आई एम जस्ट पुटिंग अ नंबर, कि आपको किसी एक नंबर से फोन आया। आज के डेट में हर स्मार्टफोन यूजर के पास ट्रू कॉलर है, बहुत सारे स्मार्टफोन यूजर हैं जो ट्रू कॉलर यूज करते हैं। आपने, आपको जैसे ही फोन आया, द मोमेंट यू रिसीव्ड अ कॉल,
द मोमेंट यू रिसीव्ड अ कॉल आप देखते हैं ट्रू कॉलर ने बोल दिया भाई ये स्पैम कॉल है या एक कस्टमर केयर है, आप उस कॉल को तुरंत उसी समय काट देते हैं, यू रिजेक्ट दैट कॉल। मैक्सिमम लोग यही करते हैं कि भाई काट दिया, आगे नहीं बढ़ते, पता तो है, पता तो चल गया हमें ना कि काम का फोन नहीं है। दिस मीन्स इस नंबर ने इस आइडेंटिटी को कैरी कर ली, इस नंबर ने इस आइडेंटिटी को कैरी कर लिया। दिस मीन्स मोबाइल नंबर हैज अ पोटेंशियल टू रीच जहां आप नहीं पहुंच सकते, वो जगह वो समय जहां आप नहीं पहुंच सकते वहां आपका मोबाइल फोन पहुंच सकता है। अगर अभी आप ये सोचें, आप जहां भी हैं अपने घर में, अपने लॉन में, अपने ऑफिस में, जहां भी बैठे हैं, यू जस्ट इमेजिन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम यू रीच टू वाशिंगटन डीसी और न्यूयॉर्क एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, आप नहीं पहुंच सकते, लेकिन आप वहां बैठे अपने दोस्त को, अपने रिश्तेदार को एक लम्हे में फोन करके, व्हाट्सएप करके यू कैन रीच देयर। और जब आपका नंबर उनके स्क्रीन पर फ्लैश करता है, द मोमेंट पर्सन रिकॉग्नाइजेज, अरे ये तो मेरा दोस्त है, अरे ये तो मेरा रिलेटिव है, तो वर्चुअली योर नंबर हैज बिकम योर शैडो, ये आपका पहचान बन गया, ये आपकी पहचान से, आपकी आइडेंटिटी से जुड़ता हुआ जा रहा है। आपको कोई शॉपिंग करनी होती है या कोई बाय करना पड़ता है, तुरंत फोन करते हैं, अरे व्हाट इज द रेट, कस्टमर केयर से कॉल है, तुरंत बात किया। तो वर्चुअली दिस मोबाइल नंबर का जो इंपॉर्टेंस है, दिस इज इवॉल्विंग, दिस इज इंक्रीजिंग विद एवरी डे, हर पल हर लम्हा इसका इंपॉर्टेंस, इसका सिग्निफिकेंस बढ़ता जा रहा है। इट इज इंक्रीजिंग एंड इट इज बाउंड टू इंक्रीज। अगर सिर्फ हम एक छोटा सा पहलू देखें, आज की दुनिया को कंपेयर करें और आज से 5 साल पहले की दुनिया को देखें, जस्ट दिस 5 ईयर विंडो, 2022 में अभी हम लोग हैं, और आप इस समय ले लीजिए 2015 के आसपास का, उस समय जितनी रिक्वायरमेंट थी स्मार्टफोन की या एक फोन की, उससे ज्यादा रिक्वायरमेंट आज है। उस समय शायद आपको इंटरनेट बैंकिंग से ट्रांजेक्शन करने के लिए जरूरत नहीं पड़ती थी, आपका काम चल जाता था, आज आप बिना उसके आपको काम ही नहीं हो सकता। बिना उस मोबाइल नंबर के आपका एक पहलू, आपका एक स्पेक्ट्रम भी नहीं बदल रहा है। तो वर्चुअली दिस हैज बिकम आवर शैडो, दिस हैज बिकम आवर आइडेंटिटी। अब एक और एग्जांपल देता हूं आप लोगों को इस आइडेंटिटी को समझाने के लिए, उम्मीद करता हूं आप लोगों में से कभी किसी के साथ ऐसी घटना ना घटे, बट एग्जाम्पल के समझते हैं। सपोज करिए कि आपके बैंक अकाउंट से, किसी के बैंक अकाउंट से, आपके बैंक अकाउंट से नहीं, देयर इज अ पर्सन हुज बैंक अकाउंट अ मनी गॉट डिडक्टेड, उसके बैंक अकाउंट से मान लेते हैं, जस्ट अज्यूमिंग अ फिगर, बड़ा फिगर लेते हैं तो आप लोग अच्छा लगेगा, 100K का फिगर लगभग 1 लाख रुपए कट गए, ठीक है। नाउ ही विजिट्स द बैंक, वो बैंक जाता है। अब अगर वो बैंक गया एंड इफ यू हैव दैट ऑथेंटिकेटेड बाय द ओटीपी, आप पे हमेशा सवाल आएगा, यार आपने ही तो ओटीपी दिया था ना, बिना ओटीपी के तो ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है। और अगर बिना ओटीपी के ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है तो वर्चुअली योर मोबाइल नंबर हैज बिकम योर कंसेंट, आप अपनी लाइफ में हर हिस्से का कंसेंट इस पे दे सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, नाउ टॉकिंग अबाउट मोर, अगर हम सिर्फ इंडियन मोबाइल नंबर की बात करें, लेट अस टॉक अबाउट इंडियन मोबाइल नंबर, कोई भी इंडियन मोबाइल नंबर ले लेते हैं। अब इंडियन मोबाइल नंबर में कुछ खास होता है, खास क्या होता है उसकी बात करते हैं। सबसे पहला +91, इसके आगे आपका एक नंबर है, जस्ट एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के लिए मैंने एक नंबर ले लिया, ठीक है। चलिए आगे चलते, ये जो पहला हिस्सा है, द फर्स्ट पार्ट, दिस इज नोन एज कंट्री कोड, इसको बोलते हैं कंट्री कोड, ये भारत देश की पहचान है। इफ यू गो टू US, इट विल बिकम +1, यू गो टू UK, इट विल बिकम +44, यू गो टू अ पार्टिकुलर, सो व्हिचएवर कंट्री यू गो, दिस विल बिकम योर आइडेंटिटी, दिस गेट्स अटैच्ड टू इट, ये आपका मोबाइल नंबर है। अब देखिए, इंडिया में आज के डेट में मोबाइल नंबर्स आर ऑफ 10 डिजिट्स, एज ऑन टुडे इंडिया में जो मोबाइल नंबर होते हैं वो 10 डिजिट्स के होते हैं। नाउ मूविंग अहेड,
आगे चलते हैं। अब इस 10 डिजिट की अगर हम बात करते हैं, ये जो पहला डिजिट द फर्स्ट डिजिट, इसके अंदर आपको सबसे लिमिटेड चॉइस मिलता है। दिस इज वन पोजिशन जिसकी सबसे कम, सबसे लिमिटेड चॉइस यू हैव। लिमिटेड चॉइस इसलिए आज के दिन में इंडिया में सिर्फ ये सीरीज अवेलेबल है, 6, 7, 8 और 9 मोबाइल नंबर के केस में। आपका जो भी मोबाइल नंबर स्टार्ट होगा इन्हीं में से किसी एक से स्टार्ट हो सकता है। कुछ हद तक 5 का भी सीरीज आया था, बहुत ज्यादा नहीं आया था। तो प्राइमा फेसिया आपको इन्हीं सीरीज के नंबर्स मिलेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। अब इसी एग्जांपल को अगर हम देखते हैं और यही बात करते हैं, इसको दोबारा यहां आप लोगों के लिए लिख लेता हूं, द एग्जांपल वी आर टॉकिंग अबाउट। अब इस एग्जांपल में बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला लाइन, सबसे पहला प्रैक्टिकल टिप, एवरी नंबर ऑफ योर मोबाइल नंबर इज इंपॉर्टेंट। आपके मोबाइल नंबर का हर एक नंबर इक्वली इंपॉर्टेंट है। ऐसा कोई भी नंबर नहीं है आपके मोबाइल नंबर का जो इंपॉर्टेंट नहीं है। हर एक नंबर इंपॉर्टेंट है। जैसे एयरटेल का ऐड था ना, हर एक दोस्त जरूरी है, वैसे एक लाइन याद कर लीजिए, हर एक नंबर इंपॉर्टेंट है, हर एक नंबर जरूरी है। इसके अलावा जो जरूरी है, जो सेकेंड पैरामीटर है, उसको बोलते हैं कम्युनिकेशन नंबर। कम्युनिकेशन नंबर का मतलब आप अपने मोबाइल के 1 से लेकर 10 डिजिट तक को आपस में जोड़ दीजिए, एड देम ऑल टुगेदर, सबको एक साथ जोड़ देना है। व्हेन यू एड ऑल दीज नंबर्स, अब देखिए इसको जोड़ने में हम कंट्री कोड को कंसीडर नहीं करते। वी डू नॉट इंक्लूड कंट्री कोड बिकॉज दैट रिप्रेजेंट्स द कंप्लीट कंट्री, तो उसको हमें ऐड नहीं करना है। बाकी उसके अलावा जितने डिजिट हैं, वी नीड टू ऐड एवरीथिंग। अगर आप इन सबको जोड़ें, 8+5+8+8+0+8+1+0+4+3, if you add all this you will get 45. This 45 is known as communication compound number. इसको बोला जाता है communication compound number. If you add all this, अब सिंपल है ना, अगर आप मैथमेटिकली जोड़ेंगे 1, 2, 3, 4 तो 32 तो आपका यही है, 32, 33, 36, 440 + 45, ठीक है। तो हमारा सम है 45, इसको बोला गया कम्युनिकेशन कंपाउंड नंबर। अब इसका भी सिग्निफिकेंस, दिस इज ऑल्सो पैरामीटर विच इज वेरी सिग्निफिकेंट। इसको फर्दर सिंगल डिजिट में हमने रिड्यूस किया, नंबर 9, ये बना आपका कम्युनिकेशन नंबर। दिस इज रेफर्ड एज कम्युनिकेशन नंबर, इसको बोलते हैं कम्युनिकेशन नंबर। तो मोबाइल फोन में क्या क्या जरूरी है, सबसे पहले हर एक नंबर इंपॉर्टेंट है, दूसरा हमारा कम्युनिकेशन कंपाउंड नंबर और कम्युनिकेशन नंबर। आगे चलते हैं, कम्युनिकेशन नंबर जान लिया, कम्युनिकेशन कंपाउंड नंबर जान लिया, मूविंग अहेड। क्या हमारी कहानी यही खत्म हो गई? नहीं, आवर स्टोरी इज नॉट ओवर हियर इटसेल्फ। इस मोबाइल फोन के अंदर में एक और बहुत सारी चीजें और भी इंपॉर्टेंट है। क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो बताता हूं। अब पोजीशन ऑफ ईच नंबर इज इक्वली इंपॉर्टेंट। इस मोबाइल फोन में जितने नंबर आए हैं, जितने नंबर आप देख पा रहे हैं, इनका पोजीशन भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। हर एक पोजीशन कुछ ना कुछ बताता है, कुछ ना कुछ कहता है, ठीक है। अब इसका पोजिशनिंग आपको बता देता हूं, पोजिशनिंग कैसे निकालते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10, ठीक है। तो पोजिशन ऑफ दीज नंबर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड रेलिवेंट। जैसे आपको एक एग्जाम्पल शेयर करूं, फॉर एग्जाम्पल ये जो 9th and 10th place है, 9th and 10th place, 10th place talks about
profession and journey of profession. आप जो काम करते हैं, आप जो पैसा करते हैं, जो भी बिजनेस कर रहे हैं, जो भी जॉब कर रहे हैं, वट एवर यू डू, ये उसके सपोर्ट की बात करता है. आपकी जर्नी कितनी स्मूथ होगी, कितना बेहतर होगा, कितना अच्छा होगा, उसकी बात करता है. अगर ये दोनों, अब देखिए ये दोनों नंबर अपने आप में इंपॉर्टेंट है. दिस नाइन्थ एंड टेंथ प्लेस नंबर आर इंपॉर्टेंट इन देमसेल्फ. अब दीज टू नंबर्स शुड बी इन सिंक विथ योर डेट ऑफ बर्थ एंड नेम. ये दोनों नंबर आपके डेट ऑफ बर्थ और नेम के साथ में सिंक होने चाहिए. सिंक का मतलब दे शुड बी सपोर्टिंग योर डेट ऑफ बर्थ. डेट ऑफ बर्थ को सपोर्ट करने वाला होना चाहिए. इसके साथ ही नाइन्थ और टेंथ प्लेस का नंबर एक कंपाउंड बनाता है. जैसे इस केस में हमारा 43 एक कंपाउंड है. दिस कंपाउंड नंबर 43 इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. दिस 43 इज ऑल्सो ए कंपाउंड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे अगर 43 इसी एग्जाम्पल में 43 कंपाउंड की बात करूं, तो दिस इज वन कंपाउंड दैट सूट्स ऑनलाइन माध्यम से ऑकल्ट. इफ यू आर अ पर्सन हु इज इन्वॉल्वड इनटू ऑकल्ट थ्रू द हेल्प ऑफ ऑनलाइन मीडियम, सो दिस इज वन कंपाउंड दैट सूट्स यू. ये एक ऐसा कंपाउंड है जो आपको सूट करता है, प्रोवाइडेड नंबर 4 और 3 आपके डेट ऑफ बर्थ के सिंक में होना चाहिए. अगर आपके डेट ऑफ बर्थ के सिंक में ये 43 है तो इट विल. ठीक है, तो ये बस एक पोजीशन बताए. इसी तरीके से हर एक पोजीशन इंपॉर्टेंट है. एवरी पोजीशन हैज अ मैसेज. जब हम हर एक नंबर की बात कर रहे हैं, ये तो बात कर रहे हैं, इसके अलावा ईच ऑफ दिस कंपाउंड नंबर्स आल्सो इंपॉर्टेंट. एक और कंपाउंड नंबर आपको दिखाता हूं. जस्ट लुक एट दिस कंपाउंड 888408. अब दिस 880488 की अगर हम बात करें, इसकी स्पेसिफिक चर्चा करते हैं. अब देखिए, तो मोबाइल नंबर में कंपाउंड नंबर सिर्फ 2 डिजिट ही नहीं बनते. मोबाइल नंबर इज वन वेयर कंपाउंड नंबर्स कैन बी मोर देन 2 डिजिट. 2 डिजिट से ज्यादा के भी, 2 डिजिट से ज्यादा का भी कंपाउंड नंबर बढ़ सकता है. 2 डिजिट से ज्यादा का भी कंपाउंड नंबर बन सकता है. ठीक है, इसको बोलते हैं एंजल सीक्वेंसेस. एंजल सीक्वेंसेस ऑफ मोबाइल नंबर. अब ये क्या है वो बताते हैं. आप लोगों में से काफी लोगों ने एंजल नंबर सुना होगा. एंजल नंबर्स आर स्पेसिफिक नंबर्स, दे आर यूज्ड फॉर सर्टेन काइंड ऑफ हीलिंग, सर्टेन काइंड ऑफ ऑब्जेक्टिव, सर्टेन काइंड ऑफ पर्पस. स्पेसिफिक एंजल सीक्वेंसेस होते हैं जो स्पेसिफिक पर्पस को कम्युनिकेट करते हैं. अब ये जो हमारा सीक्वेंस है 8808, ये एक एंजल सीक्वेंस है फॉर फाइनेंशियल अबंडेंस. दिस इज वन ऑफ द एंजल सीक्वेंसेस फॉर फाइनेंशियल अबंडेंस. दूसरा, ये जो हमारा 88 है स्पेसिफिकली, ये एंजल सीक्वेंस है फॉर योर विश फुलफिलमेंट. So this is one of the angel numbers which matches it. So in the mobile numbers, 2 digit compound numbers होंगे, 3 digit compound numbers होंगे and 4 digit compound numbers होंगे. तो इस mobile numerology के अंदर में क्या क्या significant होगा? 2 digit, 3 digit and 4 digit. All these compound numbers have a very specific sequences to talk about. आगे चलते हैं. अब देखिए, ये जो मोबाइल नंबर है ये तो है चेहरा, दिस इज द फेस. जो हमारा मोबाइल नंबर है ये एक चेहरा है, ये एक फेस है. अब इस फेस के पीछे का छुपा है वो भी जानना बहुत जरूरी है. जैसे कि एग्जांपल देता हूं, जस्ट थिंक ऑफ एन एग्जांपल कि एक घर बना है. हाउ वी कैरेक्टराइज इट, कि घर कैसे बना है, घर के अंदर सामान क्या क्या है, यही बताते हैं ना भाई. घर ईंट पत्थर से बना है, घर फूस से भी बन सकता है. डाइनिंग टेबल है या नहीं है,
टीवी है या नहीं, अगर टीवी है तो कैसा टीवी है, स्मार्ट टीवी है, एलईडी है, प्लाज्मा है, सेम वे जो मोबाइल नंबर है, जो मोबाइल नंबर के कंपाउंड्स हैं, एंजेलिक सीक्वेंसेस हैं, ये हमारा स्पेसिफिक बताएगा मोबाइल नंबर। लेकिन ये चेहरा है, ये बाहर दिखाने की चीजें, इसके पीछे क्या है, इसके पीछे भी बहुत सारी चीजें, इसके पीछे क्या क्या, सबसे पहले है आपका सिम नंबर। जब आप अपने मोबाइल फोन से कॉल करते हैं, व्हेन यू कॉल समवन फ्रॉम योर मोबाइल फोन, आपके मोबाइल फोन से एक कनेक्शन गया जो मोबाइल टावर को हिट करता है, जब वो मोबाइल टावर को हिट करता है, मोबाइल टावर आपके मोबाइल नंबर को रीड नहीं करता, वो आपके मोबाइल नंबर के साथ साथ आपके सिम नंबर को भी रीड करता है। तो ये सिम नंबर इज सोल, ये आत्मा है, एंड मोबाइल नंबर इज बॉडी। अगर मोबाइल नंबर को बॉडी मान लूं तो सिम नंबर उसकी आत्मा है। सो ये इसके पीछे छुपा है। आगे इस सिम नंबर के साथ आपका एक और नंबर छुपा है, उसको बोलते हैं आईएमआई नंबर। जैसे आपने अपने एक फोन से सिम निकाला और दूसरे फोन में डाला, तो भी आपके मोबाइल कंपनी को पता चलेगा कि आपने सिम चेंज किया। आप सिम चेंज करते हैं, तुरंत मोबाइल कंपनी आपको मैसेज भेजना शुरू करती है, भाई आप ये सेटिंग इंस्टॉल कर लो, वो सेटिंग इंस्टॉल कर लो। कैसे बता पाती है? क्योंकि वो आपके आईएमआई नंबर को रीड करता है। अब आईएमआई नंबर क्या है? दिस इज आइडेंटिटी ऑफ योर फोन। ये जो आपका फोन है, आपका हैंडसेट है, आपका डिवाइस है, उसकी आइडेंटिटी है, और ये दुनिया में यूनिक होती है। ये भी यूनिक है, ये भी यूनिक है, और ये भी यूनिक। जो आईएमआई नंबर आपके डिवाइस का है वो किसी और के डिवाइस का नहीं हो सकता, जो सिम नंबर आपके सिम का है वो किसी और का नहीं हो सकता, जो मोबाइल नंबर आपका है वो किसी और का नहीं हो सकता। तो मोबाइल नंबर अगर फेस है तो ये उसके बैकएंड की चीजें, सिम नंबर, आईएमआई नंबर, इसके अलावा और भी चीजें होते हैं, कलर ऑफ योर फोन, फोन कलर, फोन ब्रांड एंड सो ऑन। तो मोबाइल नंबर इज जस्ट अ कॉस्मेटिक फेस दैट अपीयर्स इन फ्रंट ऑफ अस, उसकी सोल, उसकी आत्मा उसका सिम नंबर। तो ईच ऑफ दीज आर इक्वली इंपॉर्टेंट एंड इक्वली रेलिवेंट। और इसमें से जितने आपके ऑप्शन है, सबसे बड़ा एडवांटेज मोबाइल न्यूमरोलॉजी का क्या है, द बिगेस्ट एडवांटेज विद द मोबाइल न्यूमरोलॉजी कि इसमें से हर चीज को आप बदल सकते हैं। अगर आपने सोच लिया, आपने डिसाइड कर लिया, आई नीड टू चेंज, यू कैन सर्टेनली चेंज इट। इसमें से ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको आप नहीं बदल सकते, और इसको बदलने के लिए आपको किसी के परमिशन की कोई जरूरत नहीं है। यू डोंट नीड टू सीक परमिशन फ्रॉम एनीवन, बिकॉज इट्स योर वॉलंटरी कॉल, इट्स योर ओन विश, ओन विल। आप जो चाहें, जैसा चाहें, वैसा चूज कर सकते हैं। बिल्कुल चूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है, वैसी चीजों को पढ़ना या वैसी चीजों को समझना विच वी कैन चेंज, विच वी कैन मॉडिफाई, एड्स वैल्यू टू अस। ठीक है, तो समराइज कर दूं मोबाइल न्यूमरोलॉजी में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। मोबाइल नंबर के अंदर आने वाला हर एक नंबर इंपॉर्टेंट है। वो जो नंबर आपके, वो जो 10 डिजिट है, those 10 digits of mobile number, each of those 10 digits should be in sync with your date of birth. आपके मोबाइल नंबर के हर वो 10 अंक आपके डेट ऑफ बर्थ से सिंक होना चाहिए। इसमें से सिर्फ एक पहला डिजिट है जिसमें आपके पास ऑप्शंस नहीं होते। यू ओनली हैव 4 ऑप्शंस इन इंडिया एज ऑफ नाउ, 6, 7, 8 and 9। इसके अलावा इंडिया में कोई ऑप्शन नहीं है। लैंडलाइंस के अंदर ऑप्शंस है, फोन के अंदर ऑप्शंस नहीं है, मोबाइल नंबर के अंदर ऑप्शंस नहीं है। वहां हमें, तो उसकी हम रिमेडी सीखेंगे कि फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली अगर फर्स्ट नंबर हमको ऐसा मिल गया जो हमारे सिंक में नहीं है तो हम क्या करें, तो उसको सिंक में कैसे बनाएंगे। वी नीड टू डू द रिमेडी फॉर दैट, उसकी हम रिमेडी कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते। बाकी जो कुछ भी चीजें हैं दैट कैन बी फिक्स्ड, That can be customized. मोबाइल न्यूमरोलॉजी क्या सिर्फ नंबर्स की बात है? नहीं, द वॉलपेपर्स यू यूज। अब देखिए, मोबाइल नंबर पे जो आप वॉलपेपर सेट करते हैं,
हर कोई कोई ना कोई वॉलपेपर सेट करता है, कोई अपनी फैमिली की फोटो लगाता है, कोई नेचर की फोटो लगाता है, कोई रिवर की फोटो लगाता है, कोई भगवान की फोटो लगाता है, कोई किसी दूसरे रिलीजियस बिलीफ की फोटो लगाता है. यू कैन चूज अ फोटो व्हाट एवर यू विश टू डू. दिस वॉलपेपर इज ऑल्सो वेरी पोटेंट सोर्स ऑफ रेमेडी. इस वॉलपेपर को हम पॉजिटिवली एक रेमेडी के रूप में यूज कर सकते हैं टू मैनिफेस्ट पॉजिटिव थिंग्स इन लाइफ. कि अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी इन्फ्यूज करने के लिए, अपने विशेष को फुलफिल करने के लिए, हेल्थ अबंडेंस के लिए, फाइनेंस अबंडेंस के लिए कर सकते हैं. बिकॉज आज की डेट में 80% लोग सुबह उठने के बाद जो पहली चीज देखते हैं वो उनका मोबाइल फोन होता है. अब ये देखना चाहिए नहीं देखना चाहिए वो दूसरी चर्चा है, बट दिस इज प्रैक्टिकल हार्ड रियलिटी. और आप अगर सो के उठ के भी पहली बार नहीं देख रहे हैं तो भी आप दिन में कम से कम, अगर आप किसी भी प्रोफेशन में है, किसी भी बिजनेस में है, फोन इज वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड गैजेट इन योर लाइफ. ये एक ऐसा गैजेट है जो सबसे ज्यादा, सबसे प्रीडोमिनेंटली आप यूज करते हैं. और अगर सबसे ज्यादा आप यूज कर रहे हैं तो आप सबसे ज्यादा बार देख भी रहे हैं. एंड इफ यू आर लुकिंग एट समथिंग द एनर्जीज, द एलिमेंट्स एंड द वाइब्रेशन ऑफ दैट विल इंपैक्ट यू. तो इस वॉलपेपर सिर्फ बिना काम का नहीं है. दिस वॉलपेपर इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी क्रूशियल. वी कैन यूज दिस वॉलपेपर, वी कैन यूज दिस एनर्जी टू ब्रिंग पॉजिटिव चेंजेस इन आवर लाइफ. अपने लाइफ में डिफरेंट पर्पस को फुलफिल करने के लिए, डिफरेंट विशेष को फुलफिल करने के लिए हम इस वॉलपेपर को एज ए रेमेडी यूज कर सकते हैं. और ये एक ऐसी रेमेडी है जिसमें आपको सिर्फ वन टाइम मेहनत करना है. एक बार अपने वॉलपेपर सेट कर दिया, कर दिया. यू डोंट नीड टू डू दैट अगेन एंड अगेन, बिकॉज जब भी आप फोन को ओपन करेंगे आप उसको देख रहे होंगे. सेम गोज टू योर लॉक स्क्रीन सेवर. वॉलपेपर के साथ साथ आपके पास आपका लॉक स्क्रीन सेवर भी है जिसको आप यूज कर सकते हैं. आज जो हम स्पेशल बोनस टिप सीख रहे होंगे वो इसी के बेस पे सीख रहे होंगे. एक आप लोगों को स्पेसिफिक वॉलपेपर बताऊंगा दैट हेल्प द पर्सन इन इन्फ्यूजिंग फाइनेंशियल अबंडेंस इन लाइफ. कि आपकी लाइफ में फाइनेंशियल अबंडेंस हो, प्रॉस्पेरिटी हो, उसको इन्फ्यूज करने वाला बताऊंगा. अब बेस्ड ऑन माई ओन रिसर्च एंड प्रैक्टिसेस आई हैव डिस्कवर्ड, आई एम यूजिंग द वर्ड डिस्कवर्ड. डिस्कवर्ड मतलब वो चीजें जो ऑलरेडी अवेलेबल थी उसको एक डिफरेंट फॉर्मेट में आपके साथ लाया है. देर आर स्पेसिफिक सिक्वेंसेस दैट इन्फ्यूज कैरियर. क्या आपको कैरियर में जॉब चाहिए, जॉब में प्रमोशन चाहिए, जॉब चेंज चाहिए, ट्रांसफर चाहिए, तो वी कैन यूज सर्टन सेट ऑफ कंपाउंड नंबर्स एंड एंजल सिक्वेंसेस इन द मोबाइल नंबर टू ब्रिंग दैट. अगर वो मोबाइल नंबर चेंज नहीं कर सकते उस एंजल सिक्वेंस पे, तो उस सिक्वेंसेस को यूज कर सकते हैं डिफरेंट अदर अदर फॉर्मेट्स में, वॉलपेपर के रूप में और बहुत सारे तरीके जो हम जानेंगे रिलेशनशिप्स के लिए. यू आर नॉट गेटिंग मैरिड, डिले इन मैरिज, फेसिंग ट्रबल इन मैरिज, तो एनीथिंग एंड एवरीथिंग. सेम यू गोज टू योर हेल्थ. सो दीज आर स्पेसिफिक कंपाउंड नंबर्स दैट इन्फ्यूजेस दैट. ऐसे भी कंपाउंड नंबर्स हैं जो आपके इम्यून सिस्टम को वीक करते हैं, और ऐसे भी कंपाउंड नंबर्स हैं जो आपके इम्यून सिक्वेंसेस को बूस्ट करते हैं. सो ऑल दीज आर बेस्ड ऑन माई ओन रिसर्च एंड प्रैक्टिस. मैंने खुद के रिसर्च और प्रैक्टिस के बेस पे इसको निकाला है. अब मान लेते हैं सर एक सर्कमस्टांस आ गया, एक सिनेरियो आ गया कि हम मोबाइल नंबर नहीं बदल सकते. दिस इज अ वेरी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम विथ मेनी. बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, आप ऐसे प्रोफेशन में हैं, ऐसे बिजनेस में हैं कि नहीं, वी कैन नॉट चेंज द मोबाइल नंबर बिकॉज हमारे कस्टमर हमको इससे पहचानते हैं, कस्टमर हमको इससे जानते हैं. हाउ टू चेंज इट? सो वी विल टॉक अबाउट रेमेडीज ऑफ डूइंग चेंजेज विदाउट चेंजिंग मोबाइल नंबर. जैसे आप लोगों से जो लोग वास्तु जानते हैं, वास्तु में कंसेप्ट है डूइंग द वास्तु करेक्शन विदाउट डूइंग डिमोलिशन. तो बिना डिमोलिशन किए हुए वास्तु करेक्शन करना ये बड़ा आर्ट. वैसे ही बिना मोबाइल नंबर को चेंज किए हुए भी हम मोबाइल नंबर से पॉजिटिविटी निकाल सकते. सो
there are specific sequences, there are specific powerful things that can be used to extract best out of it. कि हमारे पास जो नंबर है, आइडियल ऑप्शन है कि हम उसको बदल लें, आइडियल ऑप्शन है कुछ हम नया चूज कर लें, कुछ नए से जुड़ जाएं, लेकिन किसी भी कारण से, किसी भी सरकमस्टांस से अगर हम नए से नहीं जुड़ पाते, नया नहीं ले पाते, नए से नहीं ऐड कर पाते, वैसे सरकमस्टांसेस में, वैसे सिनेरियो में भी हम उस मोबाइल नंबर के स्पेसिफिक सिक्वेंसेस यूज कर सकते हैं, जिसका एक एग्जांपल हम देखेंगे अभी थोड़ी देर में, फाइनेंशियल अबंडेंस का, ठीक है। ये तो बात हो गई मोबाइल नंबर की, आगे चलते हैं। अब हम टच बेस करेंगे अपने दूसरे पहलू की, सिग्नेचर। पहले एक कहावत हुआ करता था, देयर यूज्ड टू बी अ सेइंग, नेचर एंड सिग्नेचर नेवर चेंजेस। नेचर और सिग्नेचर इंसान का कभी नहीं बदलता। हम जो कुछ भी लिखते हैं, वट एवर वी राइट, दिस इज नॉट हैंड राइटिंग, दिस इज ब्रेन राइटिंग, दिस इज ब्रेन राइटिंग। ब्रेन राइटिंग का मतलब आपका जो सबकॉन्सियस माइंड है, दैट राइट्स, योर हैंड डजंट राइट, दिस लुक्स लाइक एंड दिस सीम्स लाइक आवर हैंड इज राइटिंग, हाउएवर दिस इज नॉट हैंड राइटिंग, दिस इज ब्रेन राइटिंग। तो हाउ यू साइन, हाउ यू पुट योर सिग्नेचर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज वेरी क्रूशियल, वेरी क्रिटिकल टू डिसाइड। अब देखिए, लाइफ में आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे हु कम्स टू यू एंड से वी कैन नॉट चेंज आवर नेम, कि भाई किसी भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम की वजह से हम अपने नाम को चेंज नहीं कर सकते। दिस कैन बी ड्यू टू एनी रीजन, फैमिली अलाउ नहीं कर रही है, स्पाउस अलाउ नहीं कर रहे हैं, या वी डोंट फील कंफर्टेबल, या फिर एक अजीब सा है जिसको बोलते हैं लोग क्या कहेंगे, या लोग कोई पूछेगा कि आपने नाम चेंज किया तो क्या बताऊंगा, दे विल फील मी, दे विल कंसीडर मी सुपरस्टिशियस, आई विल लुक डाउनवर्ड्स, वैसे क्या करें। सिग्नेचर इज समथिंग दैट यू कैन चेंज, दैट यू कैन मॉडिफाई विदाउट इन्फॉर्मिंग अदर्स, बिना किसी को बताए, बिना किसी से परमिशन लिए आप उस सिग्नेचर को चेंज कर सकते हो। अगर आप प्रैक्टिकली मुझसे आज की डेट में पूछें, इंडिया में अगर आपको नाम चेंज करना हो लीगली, इट्स अ प्रोसेस विच टेक्स गुड अमाउंट ऑफ टाइम, बट आपको सिग्नेचर चेंज करना हो, इट्स कंपैरेटिवली शॉर्टर अमाउंट ऑफ टाइम। अगर नाम चेंज में मान लेते हैं आपको 10 दिन लगेगा, तो सिग्नेचर चेंज में आपको 1 दिन लगेगा, इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ वन डे। दिस इज जस्ट एन एग्जांपल ऑफ प्रोपोर्शनेट, कि हाउ क्विकर, हाउ फास्टर सिग्नेचर कैन बी मॉडिफाइड एंड चेंज्ड। आगे चलते हैं। अब देखिए, जरा सिग्नेचर के इंपॉर्टेंस को देख लेते हैं, जैसे हमने मोबाइल फोन को देखा था, तो लेट अस टॉक अबाउट थोड़ा सिग्नेचर का इंपॉर्टेंस। अब देखिए, जब हम सिग्नेचर के इंपॉर्टेंस की बात करते हैं, अब यू गो टू अ बैंक, आपने साइन कर दिया, योर सिग्नेचर इज कंसीडर्ड एज यू, जिस पेपर पे आपका सिग्नेचर है माना जाता है कि आपने उसको पढ़ लिया, समझ लिया, एंड यू एक्सेप्टेड इट। So this is the power of your signature. जैसे मान लेते हैं नरेंद्र मोदी जी पीएम है, आपको उनका साइन क्या हुआ, ब्लैंक लेटर मिल जाए, आप उसके ऊपर कुछ भी लिख सकते, एंड यू कैन यूज दैट, नॉट टू बी यूज, बट एक चेकबुक है, एक चेकबुक है, एक ब्लैंक चेकबुक की कोई अहमियत नहीं है, देयर इज नो इंपॉर्टेंस ऑफ इट, जस्ट एक पीस ऑफ पेपर है। जैसे ही उस ब्लैंक चेक पे आपने अपना साइन कर दिया, वो पीस ऑफ पेपर आपके अकाउंट से पैसा विड्रॉ करने का एक परमिशन बन जाता है। सो दिस इज द पावर ऑफ योर सिग्नेचर। जहां ये डल गया, जहां इसको आपने कर दिया, जहां आपने इसको लिख दिया, दिस हैज अ पोटेंशियल टू रिप्रेजेंट यू। आप कहीं जाते हैं और आपको डॉक्टर आपको एक्सप्लेन करता है कि भाई यू नीड टू गो थ्रू दिस प्रोसेसेस, इसमें ये रिस्क फैक्टर्स है। आपने हो सकता है ओरली एक्सेप्ट कर लिया, फिर भी वो बोलेगा यू नीड टू साइन इट, क्यों, सिग्नेचर इज प्रज्यूम्ड एज यू, सिग्नेचर इज प्रज्यूम्ड एज यू योरसेल्फ। जितनी ताकत आप में है, जितना पावर आप में है, उतना ही ताकत आपके सिग्नेचर में, एंड दिस सिग्नेचर कैन बी यूज्ड फॉर ग्राफोथेरेपी। ग्राफोथेरेपी का मतलब क्या होता है वो बताता हूं। इसमें दो पार्ट है, ग्राफो दैट इज फॉर्म ऑफ राइटिंग, थेरेपी मतलब टू ब्रिंग चेंज। तो बाय द हेल्प ऑफ सिग्नेचर करेक्शन, बाय द हेल्प ऑफ मॉडिफाइंग आवर सिग्नेचर, वी कैन
ट्रीट और वी कैन मॉडिफाई डिफरेंट एक्टिविटीज ऑफ लाइफ. हम अपने लाइफ के डिफरेंट हिस्से को मॉडिफाई कर सकते हैं, डिफरेंट हिस्से को बदल सकते हैं. जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूं, किसी की सिग्नेचर अगर आप देखेंगे, दिस इज लेफ्ट, दिस इज राइट, ठीक है. जस्ट एन हाइपोथेटिकल एग्जांपल पुटिंग, दिस इज लेफ्ट, दिस इज राइट. समवन इज राइटिंग अ सिग्नेचर जिसका सिग्नेचर ऐसे जा रहा है, लेफ्ट में ऊंचा है, राइट में वो डाउनवर्ड हो गया. इफ योर सिग्नेचर इज लाइक दैट, द पर्सन इज बाउंड टू बी लो इन कॉन्फिडेंस. पर्सन लो इन कॉन्फिडेंस हो जाता है, उसकी कॉन्फिडेंस वीकेंड हो जाती है. सिर्फ उसके सिग्नेचर को करेक्ट करके यहां पे उसके हम कॉन्फिडेंस को एनहांस कर सकते हैं, उसके कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर सकते हैं. एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं. This is left. This is right. This is someone's signature. ये हमारा left में नीचे है, right में ये काफी ऊपर है. Too much high towards right indicates overconfidence. ये overconfidence को exist. साथ ही साथ person becomes less accommodative. ये दूसरों के thoughts को, दूसरे के idea को accommodate नहीं कर पाता, उसको accept नहीं कर पाता. एक और एग्जांपल देख लेते हैं. किसी ने साइन किया और लास्ट में एक डॉट डाल दिया. द लास्ट डॉट इन योर सिग्नेचर इज नॉट कंसीडर्ड पॉजिटिव. दिस क्रिएट्स अनवांटेड हर्डल्स इन पर्सन्स लाइफ. लास्ट में डाला हुआ एक सिंगल फुल स्टॉप इंसान के सिग्नेचर, इंसान की लाइफ में अनवांटेड हर्डल्स को पैदा करता है. So this is signature for us. आगे चलते हैं. अब बात करते हैं तीसरे पहलू की. तीसरा पहलू है लोगो. अभी तक जो हमने दो चीजों की बात की वो इंसान से रिलेटेड था, दैट वॉज रिलेटेड टू अ पर्सन. चाहे हमारा वो सिग्नेचर हो, चाहे हमारा वो मोबाइल नंबर हो. मोबाइल नंबर एक ऐसा है दैट इज एप्लीकेबल टू बोथ इंडिविजुअल एंड बिजनेस, दोनों के लिए एप्लीकेबल है. सिग्नेचर इंडिविजुअल से ज्यादा कोरिलेट करता है. ब्रांड कंपनी की बात करता हूं, बिजनेस की बात करता हूं, उसकी ताकत है लोगों में. जैसे कि एग्जांपल देता हूं, लेट मी जस्ट पुट यू थ्रू एन एग्जांपल. इस पे कुछ लिखा है? नहीं लिखा है. देयर इज जस्ट एन इमेज यू कैन सी ओवर हियर एंड द मोमेंट यू सी दिस You incline कि this is Apple. भाई ये Apple का फोन है. क्या इस फोन पे कहीं लिखा था? If you look at this phone, दोबारा देखें अगर इसको, कहीं भी इसको देखें, इस पे कुछ नहीं लिखा है. There is nothing written on it. एक word inscribed नहीं है, फिर भी हमने catch कर लिया this is associated to Apple. और example देखते, this is one other. इसमें भी कुछ नहीं लिखा है. The moment you see this I plus, You consider it, it's a phone by OnePlus. Same way, आप कुछ भी लाइफ में देखेंगे, वो लिखा हो या ना लिखा हो, the moment you see it, you identify, you recognize it to a certain brand. जैसे तो यही ताकत है लोगों की. लोगो is a perception of your brand. कि आपका brand लोग कैसे परसीव करेंगे, ये लोगो तय करता है. लोग नाम नहीं देखते. आज की डेट में भी अगर आप हाईवे पर ड्राइव करेंगे, ड्राइविंग ऑन ए हाईवे, यू सी अ एम, रेड बैकग्राउंड पे येलो एम देखते हैं, अरे मैकडी होगा, चलते हैं ब्रेकफास्ट कर सकते हैं. वहां कहीं मैकडी लिखा हुआ नहीं है, आपने उसका मैकडी देखा भी नहीं हो. द मोमेंट यू सी दैट वाइट रेड बैकग्राउंड विथ येलो एम, यू आइडेंटिफाई, यू एसोसिएटेड टू मैकडी और मैकडोनाल्ड्स. अभी रिसेंटली मिंत्रा की एक कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी कि भाई आपका लोगो अच्छा नहीं दिख रहा, दैट लोगो हैज गॉट रिजेम्बलेंस टू सर्टेन काइंड ऑफ थिंग्स. तो लोगो इज एन आइडेंटिटी ऑफ ए कंपनी. लोगो एक कंपनी की पहचान है, लोगो एक कंपनी की इमेज है
जो इससे लोग कनेक्ट करते हैं। लोग आपके नाम को भूल सकते हैं, पीपल मे फॉरगेट योर नेम बट मे एसोसिएट योर लोगो, बिकॉज वी ह्यूमंस टेंड टू कनेक्ट मोर टू इमेजेस एंड ग्राफिक्स। हमारे लिए टेक्स्ट को कनेक्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है, बट ग्राफिक्स को कनेक्ट करना, इमेजेस को कनेक्ट करना बहुत आसान है। अब चलते हैं, लोगों में क्या है? लोगों में अल्फाबेट हो सकता है, अल्फाबेट है तो न्यूमरोलॉजी आ गई। लेकिन क्या लोगों में सिर्फ अल्फाबेट ही होता है? नहीं, शेप भी होता है। जैसे आप केएफसी का लोगो देखेंगे, उस पर आप एक पर्सन का फेस देखते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट। आप जॉन डीरे का लोगो देखेंगे, वहां आपको डियर दिखेगा। आप अभी एप्पल का हम लोग लोगो देख रहे थे, आपको इसमें एप्पल दिख रहा था। अब इफ यू लुक एट वेरी क्लोजली टू दिस एप्पल, ये एप्पल कटा हुआ है, देयर इज अ स्पेस बिटवीन दिस एप्पल एंड दैट स्टिक, उसका भी सिग्निफिकेंस है, उसका भी इंपॉर्टेंस है। तो इस शेप के अलावा तीसरा फैक्टर आता है इसमें, एलिमेंट। ये पूरी दुनिया पंच महाभूत से मिलके बना हुआ है, चाहे हम इंसान हो या लोगो, सब कुछ इन पंच महाभूतों से मिलके बना हुआ है। दिस फाइव एलिमेंट्स डिसाइड। एक और चीज होती है, इसको बोलते हैं गोल्डन रेशियो। गोल्डन रेशियो इज अ रेशियो विच इज प्रेजेंट इन नेचर। जब प्रकृति को, जब नेचर को ऑब्जर्व किया गया तो ये प्रीडोमिनेंटली पाया गया। और आपको एक रिसेंट एग्जांपल देता हूं, एक कंपनी है के फिनटेक, इसको बोलते हैं कार्वी फिनटेक। दे वर्क्स इनटू स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में बहुत सारे मल्टीपल सर्विसेज ये B2B और B2C क्लाइंट्स को ऑफर करती है। रिसेंटली दे चेंज देयर लोगो, और आप इनके लोगो का अगर रिलीज पढ़ेंगे, जो इन्होंने प्रेस रिलीज किया था दुनिया को बताने के लिए कि हमने अपना लोगो चेंज किया है, दे ओपनली एक्सेप्टेड एंड एक्नोलेज दिस फैक्ट कि दे चेंज देयर लोगो बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ गोल्डन रेशियो, जस्ट बिकॉज दे आर प्लानिंग देयर IPO। ये अपना IPO प्लान कर रहे हैं, इसलिए इन्होंने अपना लोगो चेंज किया, सो दैट दे आर एबल टू रीच टू दैट डेस्टिनेशन, सो दैट दे आर एबल टू रीच टू दिस देयर गोल, रीच टू देयर मिशन। तो ये तीन वो लम्हे हैं जो इंसान के लाइफ को इंपैक्ट करते हैं या लाइफ से जोड़ते हैं। ये तो हमने बात की छोटी छोटी चीजें जो हमारे लाइफ को इंपैक्ट करती हैं और लाइफ को जोड़ती हैं। अब ये सारी वैसी चीजें हैं जिसको आप बदल सकते हैं, जिसको आप मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। प्रैक्टिकल टिप्स बताऊं, उससे पहले दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज, अब हम सब लोग यहां जुड़े हैं तो एक बड़ी क्यूरियोसिटी जग रही होगी कि हाउ टू लर्न दिस। तब बात करते हैं अपने कोर्स स्ट्रक्चर के बारे में, कि हमारा कोर्स स्ट्रक्चर क्या होगा, कोर्स कंटेंट क्या होगा, कितने दिनों का होगा, क्या मीडियम होगा, उन सब की बातें करते हैं। चलिए, तो लेट अस टॉक अबाउट कोर्स कंटेंट। सबसे पहली चीज, आवर दिस कंप्लीट कोर्स विल बी ऑन जूम। हमारा ये पूरा का पूरा क्लास जूम पर होगा, और कितने क्लासेस होंगे? लगभग 20 क्लासेस होंगे। देयर विल बी 20 क्लासेस इन दिस जूम सेशन। एवरी क्लास विल बी बाइलिंगुअल, इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगा, जैसा हम आज कर रहे थे, ठीक है। आगे, the very similar structure of that whiteboard and that writing you saw, classes bhi aise hi conduct honge. Classes bhi aisa nahi hoga ki we come with a presentation and show to you ki bhai ye presentation hai isko dekh lijiye. So we directly modify on the way of that structure ki kaise hoga. To sare ke sare classes zoom pe deliver honge, live deliver hoga, and I would be taking all the classes. Sare classes personally main khud le raha hunga. Each class will be of minimum 1 hour. हर क्लास मिनिमम 1 घंटे का होगा। इट कैन गो हायर देन दैट, इट कैन गो हायर देन दैट, ठीक है। एवरी वीक वी विल हैव 3 क्लासेस। हर हफ्ते में हमारी 3 क्लासेस होंगी, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे एट 9 PM। जैसे आज हमने डेमो किया 9 PM पे, वैसे ही हमारी क्लासेस होंगी। सबसे बड़े 2 key USP, पहला, You will be getting the access to recording for lifetime. Lifetime के लिए आपको हर क्लास की रिकॉर्डिंग दे दी जाएगी।
so that you can refer this class, you can revise your learnings as many times you want. The only exception to this rule is that you are not caught in a disciplinary ground. अगर आप इस लिंक को, इस इंफॉर्मेशन को डिसिप्लिनरी ग्राउंड पे शेयर करते हुए पाए जाते हैं तो योर एक्सेस मे बी रिवोक्ड. यही सिर्फ एक कंडीशन है, बाकी कोई कंडीशन नहीं है. आप अपने पर्पस के लिए हजार बार देखना है, देखिए. इन एडिशन वी ऑल्सो प्रोवाइड लाइफ टाइम क्वेरी सपोर्ट थ्रू आवर क्लोज नेटवर्क. हमारा एक क्लोज नेटवर्क है, उसके बेस पे आपको लाइफ टाइम सपोर्ट मिलेगा. ठीक है, अब जरा कोर्स कंटेंट गो थ्रू कर लेते हैं. सबसे पहला हमारा कंटेंट है मॉयल न्यूमरोलॉजी का. इसको हमने पार्ट ए बोला. डे वन की बात करते हैं. पहले दिन हम बात करेंगे मॉयल न्यूमरोलॉजी के बारे में और इसका सिग्निफिकेंस हमारे मॉडर्न डे लाइफ में. दूसरे दिन हम बात करेंगे मोबाइल नंबर के अंदर आने वाला 0 से लेकर 9 तक का नंबर का मतलब क्या होता है, उसका इंसान पे इंपैक्ट. डे थर्ड एंड डे फोर्थ को हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन योग, जैसे आप लोगों को बता रहा था एंजल सिक्वेंसेस. कौन कौन से एंजल सिक्वेंसेस होते हैं जो पॉजिटिव होते हैं, कौन कौन से एंजल सिक्वेंसेस होते हैं जो नेगेटिव होते हैं. स्पेसिफिक पर्पस लाना हो, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव अटेन करना हो तो कैसे करेंगे. डे फिफ्थ को हम बात करेंगे कि मोबाइल नंबर में कोई अंक रिपीट कर जाए तो क्या होगा. अगर इस रिपीटेशन में दो चीजें हैं, रिपीटेशन लगातार हो जैसे 8-8, ये अलग बात है. रिपीटेशन ऐसा हो 8-5-7-8-0-2-something कि एक नंबर पहले है दूसरा बाद में, वो भी रिपीटेशन है, उस रिपीटेशन का अलग इंपैक्ट है. सेम वेज अगर मोबाइल नंबर में कोई नंबर नहीं है तो उसका क्या इंपैक्ट है, कैसे उसको मॉडिफाई करें. इन एडिशन जैसे हम बात कर रहे थे सिग्निफिकेंस ऑफ प्लेस एंड पोजिशन ऑफ मोबाइल नंबर, कि आपके मोबाइल नंबर में आने वाला स्पेसिफिक प्लेस पे कौन सा नंबर है, उसका आपके डेट ऑफ बर्थ से क्या रिलेशन है, वो तय करेगा कि हमारा इंपैक्ट क्या पड़ेगा डिफरेंट लाइफ के हिस्से में. देन वी कम्स टू मोबाइल नंबर सिलेक्शन, कि कैसे हम मोबाइल नंबर को आपके डेट ऑफ बर्थ और नाम के बेस पे सेलेक्ट कर पाए. इन एडिशन वी टॉक अबाउट स्पेसिफिक पर्पस, मनी एंड फाइनेंस के लिए, करियर एंड जॉब के लिए, मैरिज, लव रिलेशनशिप, हेल्थ, डिजीज, फॉरेन ट्रेवल लिटिगेशन, लोन पेमेंट एंड रिकवरी, प्रॉपर्टी रिलेटेड प्रॉब्लम्स. कैसे हम मोबाइल नंबर में वो कौन सा कंपोनेंट लगाएं, वो कौन सा एंजल सिक्वेंस लगाएं, वो कौन सा कंपाउंड लगाएं मोबाइल नंबर को बदल के या बिना बदले हुए जो हमें उसको इन्फ्यूज करें. इन एडिशन यू विल बी ट्रेंड अट्यून्ड ऑन अ वेरी स्पेसिफिक प्रोसीजर टू अट्यून योर मोबाइल नंबर्स टू गिव यू पॉजिटिव रिजल्ट्स. तो हम एक बहुत रेयर मोडालिटी से इसको सीख रहे होंगे, कैसे हम उस मोबाइल नंबर को बदलने के बाद या बिना बदले उसके पॉजिटिविटी को अट्यून करें. देन वी टॉक अबाउट कैसे मोबाइल नंबर स्टूडेंट्स को इंपैक्ट करता है, कैसे उससे हम किसी का एकेडमिक परफॉर्मेंस इंप्रूव कर सकते हैं, मोबाइल न्यूमरोलॉजी से करियर गोल अचीव करने का. एंड देन मोबाइल कलर, ब्रांड, वॉलपेपर, सिम नंबर, व्हेन टू बाय अ मोबाइल फोन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी भी चर्चा करेंगे. तो ये जो हमारा डे वन से डे 14 है, यहां हम बात करेंगे मोबाइल नंबर की. मोबाइल नंबर, क्योंकि हम सबकी दुनिया मोबाइल नंबर पर छुपी हुई, हम सब मोबाइल नंबर पे, हमारा हर काम मोबाइल से हो रहा है आज के डेट में. अब बात करते हैं दूसरे हिस्से की, लोगो डिजाइनिंग एंड सिग्नेचर. तो यहां हम सीखेंगे लोगो डिजाइनिंग होता क्या है, न्यूमरोलॉजी से क्या रिलेशनशिप है. सबसे इंपॉर्टेंट शेप से रिलेशनशिप, हर शेप का एलिमेंटल रिलेशनशिप, इंपैक्ट ऑफ कलर, कलर और एलिमेंट का रिलेशनशिप, इंपैक्ट ऑफ फॉन्ट एंड साइज, फॉन्ट और साइज का कलर एलिमेंट से रिलेशनशिप, सिंबल, सिंबल का एलिमेंट से रिलेशनशिप. देन नेम करेक्शन ऑफ योर लोगो, दैट इज योर बिजनेस, कि कैसे अपने बिजनेस को सही नाम दे, क्योंकि जो अपन लोगो है वो नाम पे डिपेंडेंट है. तो यहां हम पढ़ेंगे नाम के बेस को. अब मान लेते हैं कि सर हमारी क्वेरी, हमको तो कुछ आता ही नहीं है, हमने न्यूमरोलॉजी पढ़ी ही नहीं, डजंट मैटर. बिजनेस नेम करेक्शन के लिए जो जो चीजों की हमें जरूरत पड़ेगी हम सब कुछ यहाँ पढ़ेंगे. तो लोगो और बिजनेस नेम में हमारी जो स्पेसिफिक फाउंडेशन है, इसको मैं बोलता हूं पंच महाभूत न्यूमरोलॉजी, एलिमेंटल न्यूमरोलॉजी. ये हमारा बेस है, क्योंकि तो जो कुछ भी दुनिया में बना है, दुनिया की जो कुछ भी कृति है, वो इस पंच महाभूत पे ही बना है. देन वी टॉक अबाउट सिग्नेचर, कि सिग्नेचर में जोन क्या होता है, स्लैंट क्या होते हैं, प्रेशर क्या होते हैं, इनका एलिमेंट से क्या रिलेशनशिप है, कैसे ये एलिमेंट को इन्फ्यूज करता है. एंड देन वी टॉक अबाउट आइडियल सिग्नेचर, कि हमारा सिग्नेचर कैसा होना चाहिए,
कि हमारे लाइफ में ग्रोथ इन्फ्यूज करे, ये बढ़ाए। और ये सब कुछ, ये पूरा 20 दिन का सफर आपको मिलेगा सिर्फ 1900। सो दिस कंप्लीट कोर्स ऑफ 20 डेज इज इन 1900। अगर आप वर्कआउट करेंगे तो पर क्लास कॉस्ट इज लेस देन 100 रुपीज एट ए कॉस्ट लेस देन योर कॉफी। ठीक है, तो ये हमारा पूरा कोर्स कंटेंट है। साहिल, आप कुछ ऐड करना चाहते हो? जी, सो वी विल बी टेकिंग द Q&A। और सर, जो रेमेडीज है वो आप Q&A के बाद बताएंगे ना? बिल्कुल, जो रेमेडीज है वो मैं Q&A के बाद बताऊंगा। आप लोग बने रहिए, जुड़े रहिए। आप लोग अपने चैट में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक देख रहे हैं, उस व्हाट्सएप लिंक को ज्वाइन कर लीजिए।